हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कॉलर की अलग अलग तरीके से कटिंग करना। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉलर की कटिंग करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से कॉलर का आला जो है कटिंग होता है और आप इसे किस तरीके से नापेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, फ्रंट वाला हिस्सा हम हटा देते हैं। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, इसमें आप तकरीबन यहाँ पे आधा इंच तो आपका दब जाता है। आपको यहाँ पर डेढ़ इंच इस तरीके से लेके, जो हमारा कटर लगता है ब्रॉडनेस 3 इंच के आसपास, आप इसे इस तरीके से दोस्तों गोलाई करके आप यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इसे, और इसे हम हटा देंगे। ये हमारा बैग हट जाएगा दोस्तों। सिर्फ सिखाने के लिए हमने डेमो के लिए कपड़ा लिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आला जो हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम अपना यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और दोस्तों, 3 इंच पे निशान लगाने का जो हमारा ब्रॉडनेस है, यहाँ पे देखिए, कई लोग इस तरीके से जो है गोलाई करते हैं, तो ये गोलाई होती है, तो इसका कॉलर अलग तरीके से कटता है। लेकिन ज़्यादातर आप जो लें इसमें इस तरीके से, देखिए, हल्का सा वी लेंगे राउंड में, ये जो मैंने 12 में निशान लगाया है, और आप इस पर ही कटिंग करें। और इसे दोस्तों अंदाजे से हम यहाँ पर मान लीजिए गला हमारा ये बनेगा सीधी पट्टी वाला, तो हम यहाँ पर एक कैंची लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नाप आपको आला नापना बताना है कि किस तरीके से आप आला नापेंगे। तो मान लीजिए हमारा ये गला जो है इस तरीके से तैयार है, ठीक है, ये हमारा जो है गला तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों कंडी जोड़ के आपको आला नापना बताएंगे, और उसी नाप से जो है हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हमारा जो बैक वाला हिस्सा है, आप इसे इस तरीके से ओपन करें, और ओपन करने के बाद जो है अपना फ्रंट वाला हिस्सा है, आप इसे ऐसे करके इसे ऐसे मिलाएंगे, आर्म इधर लगाएंगे जहाँ बाजू हम चढ़ाते हैं, यहाँ से मिला के आप इसे कंधे को जोड़ेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से आप ये वाला हिस्सा भी जोड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने कंधी जोड़ ली है, और मान लीजिए हमारा ये गला बन चुका है, ठीक है, ये सिर्फ डेमो है। आप इसे इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद आप इसे जो है दोस्तों इस तरीके से देखिए पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आला होता है, आप यहाँ पर सेंटर में पहले कट लगा लें। दोस्तों, ये कट लगाने के बाद आप इसे जो है इस तरीके से नापेंगे, तो ये देखिए आपका जो आला बैठ रहा है यहाँ पर, ये आपका आला बैठ रहा है दोस्तों 8 इंच पे, ठीक है, डबल में 8 इंच पे। तो हम जो है 8 इंच का, यानी कि डबल में खोलने के बाद ये 16 इंच होगा, तो 16 इंच का हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, कॉलर किस तरीके से कटिंग करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने पेपर पेस्टिंग ली है, आप इसे इस तरीके से नाप लें, और जहाँ पर आपका ये 8 इंच बैठेगा आप वहाँ पर कटिंग कर लें, तो इसमें हमारा 8 इंच आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इसे पहले हल्की हल्की प्रेस से साफ़ कर लेंगे, और ये पेपर पेस्टिंग होती है दोस्तों चिपकने वाली, इस पर लाइट गर्म प्रेस, यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं, इतनी गर्म कि ये आपस में चिपक जाएं, और जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ दोनों परले एक बराबर कट जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बिठा लिया। अब इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कैंची की मदद से, तो ये देखिए दोस्तों, कैंची की मदद से आप यहाँ इसे इस तरीके से राउंड कर लेंगे, ठीक है। राउंड करने के बाद आप यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से, जितना चौड़ा आप लेना चाहते कॉलर, हम 7 इंच लेंगे, तो 7 इंच पे आप इसी तरीके से पैन से आप निशान लगाते रहेंगे गोलाई में, पूरे पे आप इसे यहाँ से गोलाई में 7 इंच पे निशान लगाते रहें। अब दोस्तों, आप इस पैन के निशान पे आप इसे कटिंग कर लें। अब हम इसे हटा देते हैं अभी। और दोस्तों, ये कटिंग करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कटिंग होगी, यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा था डबल में, तो आप यहाँ पर इसे इस तरीके से इंची टेप रखें ऐसे, और गोलाई में यहाँ पर दोस्तों 8 इंच नापेंगे, इस तरीके से इंची टेप घुमाते रहें, और जहाँ पे 8 इंच बैठेगा यहाँ पर आप इसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 8 इंच यहाँ पर है, यहाँ पे आप निशान लगा लें। अब कई लोग दोस्तों सीधा कॉलर इस तरीके से भी तिरछा कटिंग करते हैं, और कई लोग गोलाई में कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर गोलाई में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, आप इसे यहाँ पर कैंची को इस तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसकी गोलाई बिठा देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी हाफ वैन। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे कटिंग हो जाती है वैन, और वैन कटिंग होने के बाद देखिए दोस्तों आपकी इस तरीके से दिखेगी। तो आप इसे आराम से ऐसे पकड़ें और इसे आराम से खोलेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए
ये आपकी इस तरीके से वैन है, तो ये ज़्यादातर आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो ये बड़ी ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपकी बैठेगी। तो ये एक तरीके से मैंने आपको वैन कटिंग बता दी है, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। तो दोस्तों दूसरा और सबसे आसान तरीका, तो ये देखिए यहाँ पर 16 इंच है, तो हम यहाँ पर 16.5 के आसपास ये बेल्ट की पट्टी होती है दोस्तों 7 इंच की, हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप इसे देखिए इस तरीके से मिलाएं, इस पर प्रेस ना रखें, ठीक है। ये आप डेमो पीस है, मैं प्रेस रख लेता हूँ इसके ऊपर, आप इसे सिलाई से कच्चा कर लें, ठीक है, सेंटर में कच्चा मार के आप इसे कटिंग कर लें। मैंने इसे प्रेस रखी ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आपका कॉलर 8 इंच था, तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से 8 इंच पर निशान लगा लें, और दोस्तों निशान लगाने के बाद आप इसे भी जो है उसी तरीके से गोलाई दे देंगे, और कुछ नहीं करना क्योंकि आपकी 7 इंच की पट्टी है और हमें इतना चौड़ा कॉलर ही जो है वैन बनानी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसे शेप दे दी इस तरीके से, तो ये देखिए दोस्तों ये आपका वैन कट चुका है। बहुत ही आसान होता है सीधा वाला वैन, बेल्ट पट्टी का आप इसे आराम से बना सकते हैं। और ये दोस्तों हम सीधा कटिंग करके गोलाई में क्यों बिठाते हैं, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा बॉर्डर वाला जो होता है हिस्सा, बॉर्डर बिल्कुल सीधा होता है, या कोई लैस आपको लगानी हो वो लैस भी बिल्कुल सीधी होती है। तो दोस्तों सीधी लैस और सीधे बॉर्डर पे आपका यही वैन चिपकेगा और यही आपका पलटा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरी तरीके से वैन। अब मैं आपको बताता हूँ एक बैठा हुआ वैन कि आप इसे किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों दो आपको कॉलर मैं बता चुका हूँ, अब ये जो आपको कॉलर कटिंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों इसको कहते हैं बैठा हुआ कॉलर। तो आप इसे देखिए इस तरीके से एक निशान लगा लें, निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप इसे तकरीबन अंदाजे से देखिए यहाँ पर आप इसे सीधा निशान लगाने के बाद आप इसे अंदाजे से जो है इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, इतनी ऊपर आपको लेके जाना है, और वहाँ पे आप अपना जो कॉलर था आप उसे आले को नाप लेंगे कि आपका कितना ये आला बैठेगा। तो यहाँ पे 8 इंच हम नापेंगे, जहाँ पे हमारा बैठेगा वहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा आला जो है यहाँ पे इस तरीके से बैठ रहा है। तो हम पहले अब इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने का दोस्तों ये हमारा निशान था, इस निशान पे हम देखिए इसे निशान को डाल कर लेते हैं, और इसे जितना चौड़ा आपको लेना है उसी तरीके से आप निशान लगाएं जैसे कि हमने उस वाले पे भी लगाए थे। तो हम यहाँ पे 1 इंच पे इस तरीके से पूरे पे निशान लगाएंगे जितना हम चौड़ा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने निशान लगा लिए हैं, अब इसे इस तरीके से आप गोलाई देखिए अच्छी तरीके से कटिंग कर लें। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं बैठा हुआ कॉलर, यानी कि जब आप ये चढ़ा देंगे तो ये कॉलर जो है बैठा रहेगा, उठेगा नहीं किसी तरीके से। तो हम आपको दिखाते हैं कॉलर जो हमने कटिंग करें अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए हमारे 3 तरीके से वैन है, ये हमारा सीधा वैन, ठीक है, जो कि हमारा बॉर्डर लेस में चलता है, ये हमारा वैन है जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, और दोस्तों ये वैन है बैठा हुआ जो कि हमारा बहुत कम चलता है, ठीक है। ये 3 तरीके से मैंने आपको वैन बता दिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलर आप किस तरीके से कटिंग करेंगे, बंटी बबली जिसे हम कहते थे। तो दोस्तों बिल्कुल आपको सेम वैसे ही रखना है जैसे कि हमने उस वैन में रखा था, हल्की हल्की पेस्टिंग चिपका लेंगे, और इसे सीधे फुट्टे की मदद से दोस्तों पैन से आप एक सीधा निशान लगा लें। दोस्तों सीधा निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे जितना चौड़ा कॉलर चाहिए आप वहाँ निशान लगा लें, हम तकरीबन बनाते हैं 2.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से आप 2.5 इंच पर निशान लगा लें, दोस्तों ये निशान लगाने के बाद आप यहाँ पे आपका 8 इंच था, तो आप देखिए यहाँ पे आर्मोल 8 इंच इस तरीके से निशान लगाएं, और निशान लगाने के बाद यहाँ से आपको इसे तिरछा कर देना है इस तरीके से। तिरछा करने का दोस्तों आप करेंगे इसे कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों ये आपका जो है बंटी पब्लिक कॉलर जो है कट चुका है। आप चाहें तो इसे थोड़ा जो है मतलब चौड़ा भी कटिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से कट चुका है, ये लेडीज़ में ज़्यादातर यही चलता है। एक जेंट्स होता है उसमें अलग तरीके से चलता है, जो नीचे से पट्टी होती है, लेकिन लेडीज़ में हमारा ये वाला चलता है। और इस तरीके से आप कॉलर जो है कटिंग करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिए 3 तरीके से वैन और 1 तरीके से कॉलर। तो इस तरीके से आप जो है कॉलर और वैन कटिंग करके किसी भी आर्मोल को मैंने आपको नाप के बता दिया किस तरीके से नाप के आप उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करके कोई वैन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।